हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। एज यू ऑल नो दैट इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द किंगडम ब्रायोफाइटा, एंड इन ब्रायोफाइटा वी डिस्कस्ड अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड ऑल्सो द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वी हैव डन। टुडे वी विल डिस्कस सम ग्रुप्स ऑफ ब्रायोफाइटा। ओनली टू ग्रुप्स आर देयर। एक्चुअली ब्रायोफाइटा इज क्लासिफाइड और इट इज डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, दैट आर लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस। ओके, सो मैंने इनको लीवरवर्ट्स और मॉसेस को एक डिफरेंस की फॉर्म में लिखा है, बिकॉज क्वेश्चन जनरली आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस, कि डिफरेंशिएट बिटवीन लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस ऑन द बेसिस ऑफ दिस और ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो डिफरेंस की फॉर्म में लिखने से दोनों काम हो जाएंगे, डिफरेंस भी लर्न हो जाएंगे और कैरेक्टरिस्टिक भी लर्न हो जाएंगे। ओके, सो ब्रायोफाइट के दो ग्रुप हैं, लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस। व्हाई द नेम लीवरवर्ट्स आर गिवन? बिकॉज जो इनकी जो ये ब्रायोफाइट लीवरवर्ट्स के अंदर आते हैं, दे आर ऑफ लीवर शेप। इनकी शेप कैसी होती है? लीवर की शेप होती है। कैसी शेप होती है? लीवर की शेप होती है, या फिर ये कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं। दैट्स वाई द नेम इज गिवन लीवरवर्ट्स। क्लियर? नाउ फर्स्ट थिंग वी विल डिस्कस अबाउट देयर बॉडी। इनकी बॉडी कैसी होती है? डोर्सी वेंट्रल। देयर बॉडी इज डोर्सी वेंट्रल फ्लैट। इस तरह से इनकी बॉडी होती है, लाइक दिस। सपोज ये कोई लीवरवर्ट है, ये उसकी डोर्सी वेंट्रल फ्लैट बॉडी होती है। ये नीचे सबस्ट्रेटम है, सबस्ट्रेटम पे ऐसे अप्रेस्ड होते हैं, ऐसे चिपके हुए होते हैं, धंसे हुए होते हैं ये। ठीक है, तो डोर्सी वेंट्रल फ्लैट, दे आर अप्रेस्ड ऑन सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम पर ये फ्लैट अप्रेस्ड होते हैं, जमे होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट मॉसेस बॉडी, देयर बॉडी इज हैविंग रेडियली सिमेट्रिकल। दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। क्लियर? इनकी सिमेट्री रेडियल होती है। सेकेंड थिंग, दे हैव थैलोइड बॉडी। इनकी बॉडी कैसी होती है? थैलोइड बॉडी, रेयरली फोलियोज। कभी कभी फोलियोज होते हैं। फोलियोज मीन्स लीफी। रेयरली ऐसा होता है कि दे आर फोलियोज, अदरवाइज देयर बॉडी इज थैलोइड, बट देयर बॉडी इज जनरली फोलियोज। इनकी बॉडी ज्यादातर कैसी होती है? फोलियोज होती है, लीफी होती है। हम यहां पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि दे कैन बी इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट। मींस जो ये लीवरवर्ट्स है, ये तो ऐसे पसरे हुए होते हैं, और जो ये मॉसेस है, ये ऐसे इरेक्ट होते हैं, सीधे खड़े होते हैं ऑलमोस्ट। ओके, इफ यू टॉक अबाउट स्केल्स, हेयर स्केल्स आर प्रेजेंट फॉर वट पर्पज? टू रिटेन मॉइस्चर अंडर साइड। टू रिटेन मॉइस्चर अंडर साइड मीन्स लीवरवर्ट्स हैव स्केल्स। इनके पास स्केल्स होते हैं मॉइस्चर को रिटेन करने। जैसे ये बॉडी है, मार्केशिया है, इसकी अपर साइड नहीं, अंडर साइड, नीचे की तरफ मॉइस्चर को एब्जॉर्व रखने के लिए, मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए दे हैव स्केल्स। बट इन केस ऑफ मॉसेस स्केल्स आर एबसेंट। इनके पास स्केल्स नहीं होते हैं। क्लियर? नाउ इफ यू टॉक अबाउट राइजोइड्स, दे हैव राइजोइड्स विच आर यूनिसेल्यूलर एंड अनब्रांच्ड। इनके पास कैसे राइजोइड्स होते हैं? यूनिसेल्यूलर एंड अनब्रांच्ड। अब राइजोइड्स क्या होते हैं? दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर। राइजोइड्स आर रूट लाइक, नॉट रूट, दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर which help the bryophytes attach to the substratum. Okay, here unicellular and unbranched, but here multicellular and branched rhizoids are present. Multicellular and branched rhizoids are present. If we talk about filamentous trays, filamentous trays kya hota hai ki jo liverworts hote hain, द प्लांट इज डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम अ स्पोर। ये कोई स्पोर है, स्पोर से डायरेक्ट एक प्लांट बन जाता है, बीच में कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज नहीं आती है। बट इफ यू टॉक अबाउट मॉसेस, फ्रॉम स्पोर टू प्लांट, इस जर्नी के बीच में दो तीन स्टेजेस आती है, हम उन्हीं स्टेज के बारे में बात करने वाले हैं। फिलामेंटस स्टेज क्या है? हेयर फिलामेंटस स्टेज इज एबसेंट। इसको फिलामेंटस स्टेज तो लिखा ही है, इट इज एबसेंट। सो प्लांट डेवलप फ्रॉम, प्लांट डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम स्पोर, डेवलप फ्रॉम स्पोर, स्पोर से डायरेक्ट प्लांट बन जाता है इन केस ऑफ लीवरवर्ट्स। बट हियर व्हाट यू विल राइट, फिलामेंटस स्टेज
which is protonema. Filamentous stage which is protonema. Protonema is present. This protonema is creeping. It is creeping and branched. ये protonema creeping है और branched है, ठीक है. This protonema develops into secondary protonema. ये protonema फिर क्या बनाती है? Secondary protonema बनाती है. And this secondary protonema develops into leafy shoot. फिर ये कैसा shoot बनाती है? Leafy shoot बनाती है. और ये leafy shoot कैसी होती है? Upright, ऊपर की तरफ सीधी खड़ी हुई होती है. And slender, upright, slender axis which is having leaf. देखो क्या होता है, यहां तो कोई फिलामेंटस स्टेज नहीं है, प्लांट डायरेक्टली स्पोर से सीधा प्लांट बन जाता है. बट इन केस ऑफ मोसेस फिलामेंटस स्टेज इज प्रेजेंट विच नेम इज प्रोटोनिमा. प्रोटोनिमा फर्दर डेवलप्स टू मेक सेकेंडरी प्रोटोनिमा. सेकेंडरी प्रोटोनिमा फर्दर डेवलप टू मेक लीफी शूट. एंड दिस लीफी शूट इज अपराइट, स्ट्रेट होता है, सिलेंडर एक्सिस होता है, क्लियर, विच इज हैविंग लीफ. और यहाँ पर जो लीफ होती है ना, लीवर वर्ट्स के अंदर जो लीफ होती है, लाइक दिस इज स्टेम एंड लीफ आर प्रेजेंट इन टू रोज, वो टू रोज में प्रेजेंट होती है, ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट मे और मे नॉट डिफ्रेंशिएटेड, मे और मे नॉट डिफ्रेंशिएटेड इन टू फुट, सीटा एंड कैप्सूल. हो सकता है स्पोरोफाइट डिवाइड भी हो जाए फुट, सीटा और कैप्सूल में, और ना भी हो इन केस ऑफ लीवरवर्ट्स, क्लियर. बट इन केस ऑफ फर्न्स स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिफ्रेंशिएटेड. स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिफ्रेंशिएटेड इन व्हाट? फुट, सीटा एंड कैप्सूल, क्लियर. नाउ इलेटर आर वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार मार्क कर लो इसको, इलेटर को और इधर प्रोटोनिमा को. दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम ऑल एज वेल एज इन नीट एग्जाम ऑल्सो अबाउट इलेटर इट इज आस्क्ड. व्हाट आर इलेटर्स? इलेटर्स आर प्रेजेंट इन कैप्सूल. कैप्सूल में इलेटर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. फॉर व्हाट पर्पस? फॉर डिहाइसेंस एंड डिस्पर्सल. Dehiscence and dispersal of what? Spores. Spores के dispersal के लिए elaters present होते हैं, elaters help करते हैं. Spore किस में है? Capsule में है. मैं अभी diagram बना के दिखाऊंगी तुम्हें. Capsule में spores है और उनके dispersal में help करते हैं कौन? Elaters. Except what? Elaters किस में नहीं होते? Except rickshaw. Clear? And here what happen? In case of this, elaters are absent. Elaters are absent in case of mosses. I hope it is clear. So क्या क्या चीज़ें हैं? यहाँ पर dorsiventrally flat body है, यहाँ पर radially symmetrical है, ज़्यादातर erect होती है. Here thalloid body, rarely folios. Here always folios body, leafy stages are present. Here scales are present, here scales are absent. Here rhizoids are unicellular and unbranched, but here rhizoids are multicellular and branched. Filamentous stage is absent. Plant directly spore se banta hai, but in case of mosses, filamentous stage, which is named as protonema, always present, which develop to make secondary protonema, which develop to make leafy shoot. Okay. Here sporophyte divide ho bhi sakti hai, nahi bhi, in foot, sitta and capsule. But in case of mosses, it is always differentiated into foot, sitta and capsule. In case of liverworts, elaters are present in capsule. For what purpose? For dehiscence and dispersal of spore. But in case of mosses, elaters are absent. And here exception is there, elaters are absent in rickshaw. I hope up to here it is clear. यहाँ तक का तुम screenshot लो, उसके बाद हम reproduction की बात करते हैं.
So now eighth point will be there about reproduction, कि liverworts में किस तरह का reproduction होता है और mosses में किस type का reproduction होता है. However, a little difference is there, but it is there, so we are to do. If we talk about asexual reproduction, eighth point you mark it, asexual reproduction. It is take place by the help of fragmentation. Fragmentation takes place in thallus. या तो थैलस में फ्रेगमेंटेशन होगा, थैलस का कोई भी पार्ट टूट के गिर जाएगा, उसे नया लिवरवर्ट बन जाएगा. ऑल्सो इट टेक प्लेस बाय द हेल्प ऑफ गैमे. आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास ऑल्सो व्हाट आर गैमे. दीज आर ग्रीन मल्टी सेलुलर असेक्सुअल बर्ड्स विच आर प्रेजेंट इन गैमा कप्स. गैमा कप. यस्टरडे आई ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मार्केशिया, उसमें मैंने गैमा कप बनाए थे, बहुत अच्छे से तुम्हें लर्न हो गए होंगे. इन केस ऑफ दिस दैट इज मोसिस, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग. फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग इन प्रोटोनीमा. प्रोटोनीमा में बर्डिंग होती है और प्रोटोनीमा नया जो है मॉस बन जाता है. क्लियर. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ब्रायोफाइट्स में? एंथ्रिडियम एंड आर्किगोनियम. एंथ्रिडियम इज मेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनियम इज फीमेल सेक्स ऑर्गन. दीज आर टू सेक्स ऑर्गन्स एंड दे आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड. वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास. सो सेक्स ऑर्गन्स आर एम्बेडेड, धसे होते हैं, फंसे होते हैं किसमें? एम्बेडेड इन थैलस. दीज आर एम्बेडेड इन थैलस. अच्छा, जो थैलस होता है, थैलस मे बी सेम, यहां पे लिखो सेक्स ऑर्गन मे बी इन सेम थैलस. मीन्स थैलस एक होगा, उसी के अंदर एंथ्रिडियम होगा, उसी के अंदर आर्किगोनियम होगा. ऐसी कंडीशन किसमें होती है? रिक्शिया में, और इन डिफरेंट थैलस या अलग अलग थैलस में होंगे, कि फीमेल थैलस अलग होगा और मेल थैलस अलग होगा. जैसे कि कल मैंने मार्केशिया का बनाया था, जिसके अंदर एक थैलस मैंने मेल का बनाया था जिसमें एंथ्रिडियम था, और एक फीमेल थैलस बनाया था जिसमें आर्किगोनियम था. क्लियर. इफ यू टॉक अबाउट मोसिस, हियर सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन एक्सिल ऑफ लीफी शूट्स और लीफी जो शूट्स है, लीफ जो है, उनके एक्सिल में, उनके मिडल में कहीं प्रेजेंट होते हैं सेक्स ऑर्गन्स गैमेटोफाइट. आई होप इट इज क्लियर. सो लेट मी ड्रॉ डायग्राम ऑफ अ मॉस. कल मैंने लिवरवर्ट में मार्केशिया का डायग्राम बनाया था, आज मैं तुम्हें एक मॉस का डायग्राम बना के दिखाती हूँ. फिनेरिया, इट इज़ वेरी फेमस, ऑलमोस्ट सभी ने देखा है, बस तुम्हें पता नहीं है कि ये फिनेरिया है. आज मैं बनाती हूँ तो तुम आगे से उसको देखना ध्यान से कि ये फिनेरिया है. इस तरह का स्ट्रक्चर जो है फिनेरिया का दिखाई देता है. सी, दिस इज कैप्सूल विच इज हैविंग व्हाट? स्पोर्स होते हैं कैप्सूल में. यहां से इसके ब्रेक होने की वजह से स्पोर्स बाहर निकल के आ जाते हैं, डिहाइसेंस हो जाता है, फिर डिस्पर्सल होता है, स्पोर पहुंच जाते हैं जहां उनको जाना है. कैप्सूल इट इज सिटा, और फुट कहीं अंदर जाके है. तो ये फुट, सिटा और अंदर कैप्सूल, ये क्या नाम हो गया इसका? स्पोरोफाइट. ये ऊपर बॉडी है जो, इसका नाम है स्पोरोफाइट. ये वाला जो पार्ट है,
ये क्या है? गेमेटोफाइट, लीफी शूट गेमेटोफाइट, एंड ये क्या है? राइजोइड्स। वी डिस्कस्ड यस्टरडे कि मेन प्लांट बॉडी है जो ब्रायोफाइट्स में कौन है? गेमेटोफाइट है। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट फॉर एनकरेज एज वेल एज फॉर न्यूट्रिशन। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। दिस इज द डायग्राम ऑफ फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया इज अ मॉस। क्लियर? सो ब्रायोफाइट किंगडम इज कंप्लीटेड। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट किंगडम, दैट इज टेरिडोफाइट। सो नेक्स्ट किंगडम इज टेरिडोफाइट। इन ब्रायोफाइट वी डिस्कस अबाउट टू थ्री मेन थिंग्स कि ब्रायोफाइट जो हैं ये टेरेस्ट्रियल तो हैं बट दे डोंट हैव वास्कुलर टिश्यू। इनके पास क्या नहीं है? वास्कुलर टिश्यू नहीं है। नेक्स्ट थिंग, ये एम्फीबिया हैं प्लांट किंगडम के, दे नीड वाटर ऑल्सो फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाउएवर दे आर टेरेस्ट्रियल बट दे नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, एंड मेन प्लांट बॉडी इनमें गेमेटोफाइट थी। अब देखते हैं हम टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट्स, क्लियर? ये जो है दो वर्ड से बना है, टेरिडो टेरिस, टेरिस मीन्स फर्न एंड फाइट मीन्स प्लांट्स। सो दे आर नोन एज फर्न प्लांट्स, ऑल्सो दे आर नोन एज फेदरी प्लांट्स बिकॉज देयर लीव्स आर लाइक फेदर्स। इनकी लीव्स फेदर्स जैसी दिखती हैं, इसीलिए दे आर ऑल्सो नोन एज फेदरी प्लांट्स। क्लियर? दीज आर फर्स्ट सीड प्लांट्स, यू कैन राइट सीड प्लांट्स विद वास्कुलर टिश्यू। सीड प्लांट्स विद वास्कुलर टिश्यू, क्या लिखा मैंने? नॉट सीड प्लांट, सीडलेस प्लांट, अभी सीड नहीं बने हैं, सीडलेस प्लांट्स विद वास्कुलर टिश्यू। क्लियर? दीज आर ऑल्सो नोन एज वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स। वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, what are cryptogam? Actually it is a subkingdom, it is a subkingdom. Plantae kingdom is there aur uski subkingdom hai cryptogam, which include three division. First one is bryophyta, not bryophyta, first one is thallophyta. Thallophyta mein kon aata hai? Algae. Second one is bryophyta and third one is टेरिडोफाइटा। क्लियर? जिनमें से हम थैलोफाइटा कर चुके हैं, ब्रायोफाइटा कर चुके हैं, नाउ वी विल डू टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट थिंग, जो इनकी मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी या डोमिनेंट फेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल इज व्हाट? स्पोरोफाइट। इट इज स्पोरोफाइट। एल्गी और ब्रायोफाइट दोनों में कौन था? गेमेटोफाइट। नाउ मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। इन फर्स्ट क्लास आई टोल्ड यू वन थिंग, जितने प्रीमेटिव प्लांट होंगे उतने ही हैप्लॉयड होंगे। एल्गी एंड ब्रायोफाइट बोथ आर हैप्लॉयड। उनकी मेन प्लांट बॉडी जो हम देखते हैं वो कौन है? गेमेटोफाइट, और वो हैप्लॉयड है। अब जो हम प्लांट्स पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स और उसके बाद जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, उनमें जो प्लांट बॉडी होगी वो डिप्लॉयड होगी, यानी जो भी हम प्लांट देख रहे हैं वो डिप्लॉयड है और वो क्या है? स्पोरोफाइट है। ठीक है? So main plant body is sporophyte, which is divided or differentiated into, which is differentiated into true roots, stem and leaves. Now see one thing, अभी तक algae और bryophyte बेचारों के पास ना root थी, ना stem थी, ना leaves थी। However they have root like structure, stem like structure, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बट दे डोंट हैव ट्रू। तो अब जो प्लांट आ गए टेरिडोफाइटा, ये डिप्लोइड भी हैं, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी है, और इनके पास ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स भी हैं। अच्छा, टेरिडोफाइटा तो ऐसे हैं जिनके पास टू टाइप की लीव्स हैं। फर्स्ट इज माइक्रोफिल्स,
सेकंड इज मैक्रोफिल्स, ठीक है। माइक्रोफिल किसमें होती है? इट इज इन सिलेजिनेला। माइक्रो मीन्स छोटे साइज की लीफ होंगी लाइक इन सिलेजिनेला। मैक्रोफिल्स किसमें होंगी? फर्न्स के अंदर। फर्न्स आर डेकोरेटिव प्लांट्स, ऑर्नामेंटल, सबके घरों में मिलेंगे फर्न्स, ठीक है। तो वो फर्न्स की तुम लीव्स अपने घर पे देख सकते हो, ठीक है। अब सिलेजिनेला को देखो, मैं इसकी लीफ दिखाती हूँ किस तरह की होती है, लाइक दिस। सिलेजिनेला हैव वेरी शॉर्ट लीव्स, बहुत छोटी छोटी लीफ होती हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? माइक्रोफिल्स। इधर से भी इसकी ब्रांच निकल सकती है लाइक दिस। दिस डायग्राम इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक एज वेल। यू आर टू लर्न सम डायग्राम्स बिकॉज आइडेंटिफाई द डायग्राम, रिकोगनाइज द डायग्राम, ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। और यहाँ से फिर ये इसके राइजोम्स, राइजोड्स इस तरह से निकले होते हैं, रूट्स निकले होते हैं, क्लियर। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ वॉट? सिलेजिनेला। इट इज हैविंग माइक्रोफिल, छोटी छोटी लीव्स होती है, क्लियर। नाउ सी वन थिंग, अब जो स्पोरोफाइट है, इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। स्पोरोफाइट हैव, ये माइक्रोफिल और मैक्रोफिल्स होती हैं, दे हैव स्पोरेंजिया। इसके पास क्या होते हैं? स्पोरेंजिया होते हैं। कहाँ पर होते हैं? दे हैव स्पोरेंजिया इन एक्सिल, और यू कैन राइट इन मिडल ऑफ लीव्स, इन मिडल ऑफ लीव्स, कॉल्ड स्पोरोफिल्स, कॉल्ड स्पोरोफिल्स। सी व्हाट आई एम सेइंग यू, जो स्पोरोफाइट है इनके पास स्पोरेंजिया होते हैं, और वो स्पोरेंजिया किसके ऊपर होते हैं? जो लीव्स स्पोरेंजिया बियर करती हैं उन लीव्स को स्पोरोफिल्स बोलते हैं, उन लीव्स को स्पोरोफिल्स बोलते हैं। देखो अब यहां तक का स्क्रीनशॉट लो, क्लियर। नाउ सी, अब इस चीज को क्लियर करते हैं, ये स्पोरोफिल क्या है, स्पोरेंजिया क्या है, स्पोरोफाइट क्या है, किस चीज के बारे में बात की जा रही है। सी, स्पोरेंजिया प्रेजेंट इन एक्सिल और मिडल ऑफ लीव्स, एंड दीज लीव्स कॉल्ड स्पोरोफिल्स, इनको क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल्स बोलते हैं, ठीक है। दीज स्पोरोफिल्स, कई बार तो ये स्पोरोफिल्स सेपरेट ही होते हैं, अलग अलग ही प्रेजेंट होते हैं, बट समटाइम दीज स्पोरोफिल्स कंबाइन एंड मेक कॉम्पैक्ट डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, एक अलग सा दिखने वाला और डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट टाइट सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एंड इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कॉल्ड स्ट्रोबिलाई, स्ट्रोबिलस सिंगुलर, स्ट्रोबिलाई प्लूरल, स्ट्रोबिलस और कोन बोलते हैं। देखो कैसे, सपोज ये कोई टेडोफाइटा है लाइक दिस, और इसके ऊपर इस तरह का कोन शेप का यूं स्ट्रक्चर बना होता है, और इस स्ट्रक्चर को कोन बोलते हैं या स्ट्रोबिलाई बोलते हैं, स्ट्रोबिलस बोलते हैं। और ये कब बना है? जब बहुत सारी स्पोरोफिल ने मिलकर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, टाइट स्ट्रक्चर बना लिया है, इसको स्ट्रोबिलस बोला। अगर इसको खोलें, इस डायग्राम को खोलें, तो इस तरह से ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस, क्लियर। यू कैन गो फॉर गूगल एंड यू कैन सी द डायग्राम, स्ट्रोबिलस को देख सकते हो तुम जब भी किसी हिली एरिया पर जाते हो, वहाँ पर जो है पाइन ट्रीज हैं या कोई भी ऐसे इस तरह के हिली एरिया वाले ट्रीज देखो, तो वहाँ पर ये कोन और स्ट्रोबिलस तुम्हें ज़रूर मिलेगा। बहुत ही ऑर्नामेंटल होते हैं, बहुत ही डेकोरेटिव, बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, हम इनको डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए अपने घरों में लगाते भी हैं, ओके। तो हम बात कर रहे थे इनकी, स्पोरोफिल जो है कंबाइन होकर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको स्ट्रोबिलस या कोन बोलते हैं। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स, ये क्या बनाती हैं? स्पोर्स बनाते हैं, प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस, मियोसिस से ये क्या बनाते हैं? स्पोर्स बनाते हैं, कौन? स्पोरेंजिया। स्पोर्स फिर क्या करते हैं?
जर्मिनेट होते हैं, दे जर्मिनेट एंड मेक गैमेटोफाइट। यही तो होता है अभी तक, यही तो हम पढ़ रहे हैं। हियर गैमेटोफाइट इज ऑल्सो नोन एज प्रोथैलस एंड दिस गैमेटोफाइट इज स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस, इनकॉन्स्पिक्यूअस। नाउ व्हाट डू मीन बाय इनकॉन्स्पिक्यूअस? जिस पर ज्यादा नोटिस नहीं किया जाए, ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाए, ना दिखने वाली, कम दिखने वाली। तो गैमेटोफाइट अब देखना धीरे धीरे रिड्यूस होती चली जाएगी, बहुत छोटी होती चली जाएगी, क्योंकि स्पोरोफाइट अपने आप को डोमिनेंट प्रूव कर रही है। अभी तक तो एल्गी और ब्रायोफाइट में डोमिनेंट कौन थी? गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट छोटी सी थी, अब स्पोरोफाइट बड़ी होती जा रही है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट बनती जा रही है और गैमेटोफाइट रिड्यूस होती जा रही है। तो इट इज स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस बट मल्टी सेलुलर एंड फ्री लिविंग। कैसी है ये? फ्री लिविंग है। कौन? गैमेटोफाइट, विच इज ऑल्सो नोन एज हियर प्रोथैलस, जिसको क्या बोला जा रहा है? प्रोथैलस भी बोला जा रहा है। ओके, एंड दिस गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। अब देखो इनकी कंडीशन देखो, इनको कूल प्लेस चाहिए, डैम्प प्लेस चाहिए, शेडी प्लेस चाहिए, ऊपर से फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए। सो मच कंडीशन आर देयर, सो मच रिक्वायरमेंट्स आर देयर। इसी वजह से टेरिडोफाइट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है, बहुत कम प्लांट्स मिलते हैं, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ कंडीशंस। सो यू कैन राइट हियर, यहां पर हम लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स ऑफ वॉटर फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए इनको पानी चाहिए है, वॉटर फॉर फर्टिलाइजेशन एंड कूल प्लेसेस फॉर सर्वाइवल, दीज आर लिमिटेड इन डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बहुत कम है, ये प्लांट बहुत कम मिलते हैं इस तरह की कंडीशन होने की वजह से। आई होप इट इज क्लियर। सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट अप टू हियर, फिर हम इनकी लाइफ साइकिल की बात करेंगे। नाउ विल डिस्कस अबाउट देयर लाइफ साइकिल, किस तरह का इनका लाइफ साइकिल है। सो जब हम इनके स्पोर्स की बात कर रहे थे कि ये स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है, समटाइम दे मेक सेम टाइप ऑफ स्पोर, समटाइम दे मेक डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। सी, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स एंड स्पोर्स कैन बी, स्पोर्स के बेस पे प्लांट होमोस्पोरस भी हो सकता है और हेटरोस्पोरस भी हो सकता है। हेटरोस्पोरस, होमो मीन्स सेम काइंड ऑफ स्पोर्स होंगे, same kind of spores, hetero means different, so यहां पे different kind of spores, ठीक है, same kind of spores में example mostly pteridophytes इसी में आते हैं, mostly pteridophytes are included in this, and here example of you can write Selaginella एंड सालविया, ठीक है। अब ये हेट्रोस्पोर कौन कौन से स्पोर होते हैं? सी, एक तो होंगे माइक्रोस्पोर और एक होंगे मेगास्पोर्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल, नाम से पता चल रहा है, मेगा मीन्स लार्ज, मेगा या मैक्रोस्पोर्स भी बोल देते हैं इनको, ठीक है। माइक्रोस्पोर विल मेक मेल गैमेटोफाइट, ये क्या बनाते हैं? मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, और मेगास्पोर मेक फीमेल गैमेटोफाइट, ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, क्लियर। एंड दिस फीमेल गैमेटोफाइट ऑलवेज और इट रिटेन्ड, मैं इसको ऊपर लिखती हूँ, इट रिटेन्ड, ये रहती है, कहाँ रहती है? रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट, जो पेरेंट स्पोरोफाइट है उसी के ऊपर रहती है ये पेरेंट स्पोरोफाइट, एंड मेक एम्ब्रियो इनसाइड इट, मेक एम्ब्रियो, वहीं पर एम्ब्रियो बनाती है। इस तरह की हैबिट को हम बोलते हैं, इट इज अ प्रीकर्सर
ऑफ सीड हैबिट, प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट, बताती हूँ मैं इसको बहुत डिटेल से, प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट विच इज इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर इवोल्यूशन, इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर इवोल्यूशन. सी, फीमेल गैमेटोफाइट जो है पेरेंट स्पोरोफाइट पे रहते, उससे अलग नहीं होती है, उसी में वो रहकर अपना एम्ब्रियो बनाती है. और ये चीज़ हम एंजियोस्पर्म में देखते हैं ना, जो हायर प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, कि वहीं जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो पूरे तरीके से जब डेवलप हो जाता है तब जाके नया प्लांट वहां से बनता है, सीड बन के निकलता है. तो ये सीड हैबिट का प्रीकर्सर है कि सीड हैबिट आने से पहले की तैयारियां हैं. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इवोल्यूशन में कि इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, अब आगे आने वाले जो डिवीजन है वहां पर सीड हैबिट पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगी. ठीक है, इट मीन्स एक चीज देखने को मिली यहां से कि जो गैमेटोफाइट होती है, गैमेटोफाइट कैन बी मोनोशियस और इट कैन बी डायोशियस. मोनोशियस, मोनो मीन्स सिंगल, कि सिंगल गैमेटोफाइट में दोनों ही पार्ट होंगे, मेल भी और फीमेल भी. डाई मीन्स डबल, मीन्स दो अलग अलग इंडिविजुअल हैं, मेल और फीमेल. ठीक है, मेल गैमेटोफाइट अलग और फीमेल गैमेटोफाइट अलग. क्लियर? यू कैन टेक स्क्रीनशॉट अप टू हियर. सो नाउ वी विल डिस्कस टेरिडोफाइट जो होता है, इसकी क्लासेस भी है फर्दर, कि जो ये डिवीजन है टेरिडोफाइटा, इट हैज फोर क्लासेस. इट इज गिवन इन एनसीईआरटी, तो करना ही पड़ेगा. कौन कौन सी इसकी चार क्लासेस है? फर्स्ट वन इज सिलोप्सिडा, सेकेंड इज लाइकोप्सिडा, थर्ड इज स्फिनोप्सिडा, एंड लास्ट वन इज टेरोप्सिडा. ओप्सिडा, ओप्सिडा तो सभी में ही है, PLSP है ये, PLSP. सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, एग्जाम्पल इनसे मिलते जुलते हैं बिल्कुल. इसमें एग्जाम्पल याद रखना, सिलोटम, पी साइलेंट सिलोटम, लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम, ऑल्सो सिलेजिनेला. क्लियर? स्फिनोप्सिडा में यू विल लर्न इक्विसिटम, इक्विसिटम. टेरोप्सिडा में टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम. क्लियर? ये एग्जाम्पल तुम्हें याद रखना, इट इज डिवाइडेड इनटू टोटल फोर क्लासेस. नेक्स्ट थिंग इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स. बहुत ज्यादा नहीं है बट हाँ है. ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारी नेचर में प्लांट हो और वो हमारे लिए यूजफुल ना हो, इट इज इम्पॉसिबल. सो क्या क्या इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है? इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन. सबसे बड़ी बात यह है कि जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, बहने नहीं देती है, इरोजन नहीं होने देती है. ये तो सभी प्लांट करते हैं. इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन. ऑल्सो इट इज यूज्ड एज फूड, यूज्ड एज फूड. फॉर एग्जांपल, फूड में एग्जांपल आ जाएगा मार्सीलिया जो है टेरिडोफाइट है, वो फूड के पर्पज पर यूज किया जाता है. ऑल्सो दे आर ऑर्नामेंटल, सजावट के लिए तो हम बहुत यूज ही करते हैं इनको. मेडिसिंस आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम दैम. मेडिसिंस, एक मेडिसिन बनाई जाती है एंटी हेलमिंथिक, जो हेलमिंथ्स हैं इनके अगेंस्ट एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स बनाई जाती है. सी द स्पेल, एंट हेलमिंथिक. ठीक है, दे आर यूज फॉर मेटल पॉलिशिंग, यूज फॉर पॉलिशिंग ऑफ मेटल. मेटल की पॉलिशिंग के लिए यूज किया जाता है इक्विसिटम. एंड जो ये ड्रग बनाई जाती है, ड्रायोप्टेरिस से बनती है. किससे बनती है? ड्रायोप्टेरिस. क्लियर? सो दिस इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. लास्ट थिंग इज लेफ्ट अबाउट देयर लाइफ साइकिल. अब हम इनका लाइफ साइकिल करते हैं.
then our lecture will be completed or pteridophyte kingdom will be completed. देखते हैं इनकी लाइफ साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं. सी इट इज गैमेटोफाइट. ठीक है, गैमेटोफाइट दो सेक्स ऑर्गन्स हैं, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम. एंथ्रीडियम इज मेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनियम इज फीमेल सेक्स ऑर्गन. एंथ्रीडियम विल मेक एंथ्रोजोइड्स, ये मेल गैमेट बनाएगा, एंड आर्किगोनियम विल मेक एग, ये फीमेल गैमेट. दोनों की फ्यूजन होगी, यहां पर कौन बनेगा, जाइगोट. जाइगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो विल मेक स्पोरोफाइट. ठीक है, स्पोरोफाइट में क्या है, स्पोरोफिल्स. स्पोरोफिल आर हैविंग स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स, स्पोर्स जर्मिनेट टू मेक व्हाट, गैमेटोफाइट. हो गया लाइफ साइकिल कंप्लीट. सी क्या क्या हुआ, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं. एंड यू ऑल नो कि जो गैमेटोफाइट है ये क्या होती है, हैप्लोइड होती है. कौन सी कंडीशन, एन कंडीशन, हैप्लोइड. ठीक है, गैमेटोफाइट इज हैप्लोइड, जाइगोट बनेगा, इट इज डिप्लोइड, एम्ब्रियो डिप्लोइड, स्पोरोफाइट डिप्लोइड, स्पोरोफिल डिप्लोइड, स्पोरेंजिया डिप्लोइड, स्पोर्स हैप्लोइड. तो इनका जो लाइफ साइकिल है वो कैसा है, डिप्लो हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल, डिप्लो हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल एज इट वॉज इन ब्रायोफाइट ऑल्सो. ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों में ही डिप्लो हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल है. ठीक है, तो गैमेटोफाइट जो है, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम मेल सेक्स फीमेल सेक्स ऑर्गन है. एंथ्रोजोइड्स आर रिलीज्ड इन वाटर, एग के साथ फ्यूजन के लिए एंथ्रोजोइड वाटर में रिलीज हो जाते हैं. देन दे रीच टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम, के माउथ तक पहुंचते हैं जहां पर एग है, उससे फ्यूजन करके जाइगोट बनाते हैं. जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो जर्मिनेट करके स्पोरोफाइट, स्पोरोफिल स्पोरेंजिया में फिर क्या होगी, मियोसिस होगी. आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस एंड दिस स्पोर विल अगेन मेक गैमेटोफाइट, मे बी सेम गैमेटोफाइट, मे बी मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट डिफरेंट होंगे. आई होप टूडेज कंटेंट इज क्लियर टू यू. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन लीव इट इन कॉमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर योर डाउट्स एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कंटेंट. ट्राई टू सॉल्व एनसीईआरटी क्वेश्चन, मेक डायग्राम एज वेल. And if you have any doubt, leave it in comment section. And please go with like button. Do share and subscribe my channel. Thank you, everybody.